वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो 2022 मैकबुक में कैसे इंस्टॉल करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो हम न्यू वीडियो दें तो आपके पास वो बहुत जल्दी पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग इस वेबसाइट पे आएंगे जिसका नाम विजुअल स्टूडियो 2022 है। जो तो हम लोग पहले सबसे पहले ये देख लीजिए इसका इंटरफेस कहता है। तो हम लोग यहाँ से डाउनलोड प्रीव्यूस पे क्लिक करेंगे, तो ये हम लोग का डाउनलोड है। तो मेरा ये पहले से डाउनलोड है, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये आएगा, ऐसा लोगो आएगा। तो हम यहाँ पर इसको मैनेज करते हैं। तो हम लोग इसको डबल टैप करेंगे ना। डबल टैप करने से ये इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे कुछ देखिए वेरीफाइंग, तो इसको होने देते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ देर तक हमें वेट करना है। आप अपना जो भी हो वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाटा जाएगा आपका, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही। तो हम लोग कुछ देर वेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए .NET, Android, iOS, macOS, तो ये है। तो हम लोग Android पे भी क्लिक कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और macOS को भी कर लेंगे सेलेक्ट। तो हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। ये सब सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा डाउनलोड, ये हम लोग का डाउनलोड हो रहा है। तो हम लोग कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा 50% डाउनलोड हो चुका है। मेरा वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है अभी, तो डैट्स वाई थोड़ा हमें टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में इसको। तो कुछ देर और वेट कर लेते हैं प्लीज। तो हमारा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो 2023 को। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद कुछ देर वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो ओपन होने के बाद हमारा कुछ इंटरफेस ऐसा दिखता है विजुअल स्टूडियो 2022 फॉर में। तो यहाँ से बहुत सारे, तो यहाँ पे वेब एंड कंसोल, यहाँ पे मल्टी प्लेटफॉर्म, iOS, एंड्रॉयड और क्लाउड, मैक, tvOS, ये सब बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग कोडिंग कर सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे हैं। तो इसमें बस इतना ही सा है। तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के हमको डिस्कस करूँगा इस सब के बारे में और एक प्रोग्राम भी क्रिएट करूँगा। तो बस यही सब है इस विजुअल स्टूडियो 2022 प्रीवियस में। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम जो वीडियो देंगे आपको वो आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तथा बाय बाय।